आज हम प्योर तरीके से घर पर खोया बनाना बताएंगे। खोया बनाना घर पर बहुत ही आसान है। हम अक्सर मार्केट से तो खोया लाते हैं तो वो मिलावटी रहता है, उसका हम व्रत वगैरह में भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी दशहरा दीपावली सारे त्यौहार आ रहे हैं जो कि बिना स्वीट्स के तो आप इंजॉय कर ही नहीं सकते। तो हम चलिए इसे बनाएंगे। खोया बनाने के लिए हमने 2 लीटर दूध ले लिया है। खोया बनाने के लिए आप कोई भी दूध ले सकते हैं, गाय का दूध या भैंस का दूध। आपके पास यदि गाय का दूध है तो उससे भी बना सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि भैंस का ही दूध चाहिए। तो खोया बनाने के लिए हमको ऐसे मोटी तली का बर्तन लेना होगा। तो आपके पास यदि एल्यूमिनियम की कढ़ाई या लोहे की कढ़ाई है तो वो ले सकते हैं। पतली तली का बर्तन इसलिए नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि नीचे से खोया जल जाता है, जब हम खोया उड़ाते हैं तो नीचे से जलने की दिक्कत होती है। तो हमको इसको उबालना है। उबालने तक हम इसको अच्छे से देखेंगे, ये हम गैस के पास से नहीं हटेंगे, नहीं तो ऐसा होता है कि उफान आ जाता है। तो शुरू में इसको अच्छे से हम उबल जाने देते हैं, क्योंकि यदि शुरुआत की मलाई गिर गई उबालते टाइम तो उसका मेन चिकनापन ही दूर हो जाएगा दूध का, और खोया अच्छा नहीं बन पाएगा। तो हम चम्मच वगैरह से भी चलाकर पका सकते हैं। हमें स्टील का बर्तन का यूज़ नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखें, खोया बनाने के लिए एल्यूमिनियम या लोहे के बर्तन का ही यूज़ करेंगे, वो भी मोटी तली का। तो ये देखिए, ये हमारा दूध उबलने लगा है। अब इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें उफान ना आए। जैसे ये अब उबल गया है तो इसमें हम ऐसे चम्मच डाल सकते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आप जैसे कुछ काम भी कर रहे हैं और इसको मीडियम फ्लेम पे पकने दे रहे हैं, देखो ये वहीं पर मैं कुछ काम कर रही थी तो ये ऐसे ऊपर मलाई जैसे भी आ गया है, तो चम्मच डालने के कारण से ये गिरता भी नहीं है हमारा खोया। तो आप मीडियम टू स्लो गैस करके पकने के लिए छोड़ सकते हैं और दूसरा भी काम कर सकते हैं। बीच बीच में आप इसको जब ये थोड़ा सा थिक होते जाएगा, गाढ़ा होते जाता है, तो नीचे से आप इसको चलाते जाएं थोड़ी ताकत लगा के, ताकि नीचे से ये बैठ ना पाए और आजू बाजू जैसे कढ़ाई में ये साइड में मलाई जमती जाती है तो इसको भी आप ऐसे खरोंच सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से आप घर पर मिठाई बना सकते हैं, क्योंकि अक्सर तो हम मार्केट से मिठाइयाँ लाते हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती हैं और प्योर नहीं रहती हैं, व्रत में भी आप खाने से डरते हैं। तो आप घर पर ऐसा खोया बना सकते हैं। खोया बनाना बहुत ही आसान है। तो ये गाढ़ा होते ही जा रहा है और जैसे जैसे ये गाढ़ा होगा तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि नीचे से आपको कंटिन्यू अच्छे से प्रेशर के साथ इसको चलाते जाना है, ताकि नीचे से बैठे ना। जैसे जैसे ये गाढ़ा होते जाता है, तो जैसे कि अभी गाढ़ा हो चुका है तो आपको इस समय गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो करके पकाना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम इसको तेज पे पकाते हैं तो ये इसके छींटे हमारे ऊपर आने का दिक्कत होता है और हम जल भी सकते हैं। तो इस प्रोसेस को आपको गैस का फ्लेम स्लो करके करना है, नहीं तो हम जल सकते हैं, इस समय छींटे उचटते हैं। तो इस समय देखिए ये अच्छा गाढ़ा हो गया है। यदि आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं 5 से 6 दिन के लिए, तो आप इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर लें। यदि इसमें थोड़ा सा दूध रहेगा, सूखा नहीं होगा, तो हमारा ज़्यादा दिन तक खोया नहीं चल पाएगा। यदि आप शुद्ध अभी कुछ भी जैसे मिठाई बनाना चाहते हैं तो आप इसी समय बना सकते हैं, लेकिन आपको स्टोर करके रखना है खोया। तो हम इसको थोड़ा सा और पका लेंगे। जब इसका पूरी तरीके से दूध एब्जॉर्ब हो जाता है, ये थोड़ी ऐसे हार्ड हो जाता है, तो यदि आप स्टोर करेंगे खोया को तो ज़्यादा दिन तक ये चलता है और आप 8 से 9 दिन बाद भी इसकी मिठाई गुलाब जामुन वगैरह बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितना आसान है खोया बनाना। तो फ्रेंड्स आप इसे एंजॉय करें। ओके बाय बाय, टेक केयर।